अगर आपने जाने अनजाने अपने पार्टनर को बहुत हर्ट कर दिया है और अब आपका पार्टनर नाराज है तो उसे कैसे मनाए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हो जाता है जो आपके पार्टनर को बहुत हर्ट होता है। आपका पार्टनर आपसे बात करना पसंद नहीं करता, आपसे एकदम कम्युनिकेशन खत्म कर देता है और आप इतने बेबस हो जाते हैं कि यार कैसे मनाएं और कैसे समझाएं कि वो मेरी गलती थी और मैं पछता रहा हूँ या फिर पछता रही हूँ। तो देखिए, मनाने का जो तरीका है ना, सबसे पहले तो सॉरी बोलकर सफाई दे दीजिए कि हाँ आपकी गलती है, एडमिट कर दीजिए उस गलती को, सॉरी बोलिए और थोड़ी सी सफाई दे दीजिए। मीन्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि यार इतना ज्यादा दिमाग खराब था, मैं थोड़ा सा परेशान था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, बस ऐसी चीज मुझसे निकल गई, बस मेरे से ऐसा हो गया जाने अनजाने। तो थोड़ा सा अपने बिहेवियर के लिए सॉरी तो बोलना ही है बट एक्सप्लेन भी करना है कि वो गलती हुई है तो क्यों हुई है, पहला काम। दूसरा, ये उम्मीद मत कीजिए कि क्योंकि आपने सॉरी बोल दिया है तो सामने वाले का अब मूड ठीक हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर किसी के चोट लग जाती है, उस पर आप अगर दवाई लगाते हैं तो भी वो दवाई थोड़ा टाइम लेती है असर दिखाने में। अगर आपने सॉरी बोल दिया है जिसकी बहुत वैल्यू है, लेकिन सॉरी बोलते ही किसी का दिमाग ठीक नहीं हो जाएगा, उसका दिमाग, वो इंसान थोड़ा टाइम लेगा वो हर्ट जो चीजें हुई हैं उनको भूलने में, नॉर्मल होने में। तो आप ये उम्मीद ना करें कि यार सॉरी बोल दिया, मैंने उसको मना लिया, अभी भी गुस्सा है, बात नहीं कर रहा, क्या करूं, ऐसे बेचैन मत हो जाइए। थोड़ा सा टाइम उस इंसान को दीजिए नॉर्मल होने के लिए। बट यकीन मानिए, आपका ये सॉरी वाला बिहेवियर उसके ऊपर इम्पैक्ट जरूर दिखाएगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे असर होगा। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि आपको ना उस गलती को बार बार कुरेदना नहीं है, उस इंसिडेंट के बारे में बार बार बात नहीं करनी है। अपना बिहेवियर नॉर्मल रखिए उसके साथ में, जिस तरीके से आप बात करते हैं, उसके साथ में रहते हैं, उसको जिस टाइम पर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, अपना बिहेवियर नॉर्मल रखिए। और आपके बिहेवियर में थोड़ी सी गिल्ट भी होनी चाहिए, सॉरी वाला फील भी होना चाहिए। बट उस बारे में आपको बात नहीं करनी है बार बार, क्योंकि जितना ज्यादा आप उस मैटर पे बात करेंगे उतना ज्यादा आप सामने वाले के जख्म को गहरा करेंगे। आपका काम सॉरी बोलकर और गिल्ट दिखाकर खत्म हो गया था, अब जो भी काम होगा वो वक्त दिखाएगा। आपका जो नॉर्मल बिहेवियर है, जब वो कुछ टाइम तक नॉर्मल बिहेवियर आपका बना रहेगा तो आप देखेंगे आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है धीरे धीरे वो नॉर्मल होता जा रहा है। और इसके बाद भी अगर आप एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद ये फील करते हैं कि आपका पार्टनर उस चीज को भूल ही नहीं पा रहा है, उस चीज को लेकर बैठा हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं होता है बट इन केस ऐसा है, तो एक बार अपने पार्टनर से मिलकर खुलकर बात कीजिए और खुलकर झगड़िए। क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने मन की बात मन में ही रखते हैं। आपके पार्टनर को चीजें हर्ट तो हो गई हैं, लेकिन जो दुख और जो गुस्सा उसके अंदर है आपको लेकर, उसने अभी तक निकाला नहीं है, इस वजह से वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। जब आप उससे बैठकर एक बार आर्ग्यू करेंगे, झगड़ेंगे, अच्छे से झगड़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उस झगड़े में वो इंसान हर एक चीज बोल रहा है, क्योंकि जो लोग नॉर्मली चीजें नहीं कह पाते वो गुस्से में कह देते हैं। तो एक बार वो गुस्से में जब आपको बुरा भला बोल देगा, गंदा बोल देगा, उल्टा सीधा बोल देगा, तब आप देखेंगे उसका बिहेवियर नॉर्मल हो गया है, क्योंकि उसके दिल की जो बातें थी, जो कड़वाहट थी, वो उसने उगल दी है। सो ये करना जरूरी है, बट ये काम आप तभी करें जब 10 से 15 दिन हो जाए और उसके बिहेवियर में कोई चेंज ना हो, मीन्स वो नॉर्मल ना हो, तभी आपको करना है। तो ये एक ट्रिक होती है जिससे आप सामने वाले के मन की बात बाहर निकलवा के उसके अंदर शांति पैदा कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।